हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पseudohalides क्लासेस। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कि मैंने हम लोग जानते हैं कि आपका जो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है वो दो टाइप का, एक होता है आपका इनर स्फीयर मैकेनिज्म और एक होता है आपका आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। तो आज हम लोग इनर स्फीयर मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। तो इनर स्फीयर मैकेनिज्म क्या है, देखो आपके पास कोबाल्ट का एमीन कॉम्प्लेक्स है, Cl+2। अब आप इसमें क्या कर रहे हो, इसमें आप क्रोमियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स ऐड कर रहे हैं। क्रोमियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स ऐड कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा आपका कोबाल्ट प्लस Cn H2O 6 + 3 + NH4+। सो देखो कोबाल्ट जो आपका +3 स्टेट में था वो आपका +2 स्टेट में चला गया, और जो आपका क्रोमियम +2 स्टेट में था वो आपका +3 स्टेट में चला गया। इसका मतलब कोबाल्ट से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी क्रोमियम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है कोबाल्ट तक। इस टाइप का जो मैकेनिज्म है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया। सो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को अभी इसका मैकेनिज्म क्या होता है उससे पहले हम लोग देखेंगे एक ही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या। इसका टू कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इसका जो मैकेनिज्म है ये मैकेनिज्म एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसीड करता है। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, और नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बी ब्रोकन। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी ब्रोकन, वो आपको दिख रहा है कि आपका एमीन कॉम्प्लेक्स था, एमीन कॉम्प्लेक्स आपका नहीं रहा, उसके वजह से आपका क्या फॉर्मेशन हो गया, आपका फॉर्मेशन हो गया एक्वा कॉम्प्लेक्स। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ब्रेक हो रहा है। तो अभी हम लोगों को देखना पड़ेगा कि आपका इसका मैकेनिज्म क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म टॉबे द साइंटिस्ट टॉबे एंड उनका कोवर्कर्स ने बनाया था, मतलब उन लोगों ने इसका प्रपोजल दिया। तो वो था टॉबस मैकेनिज्म। सो उसमें क्या था कि पहले ये आपका क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, क्रोमियम H2O 6 +2 कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका पहला वाला आपका फास्ट स्टेप है, उसमें क्या होगा, उसमें आपका
मॉलिक्यूल आपके कॉम्प्लेक्स से ब्रेक हो जाएगा। सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर से एक वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया तो आपका CH2 होल 5 का फॉर्मेशन। अभी क्या होगा, अभी CH2O होल 5 प्लस 2 उसके साथ आपका कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का एडिशन हुआ। ये एडिशन के बाद किसका फॉर्मेशन होगा, तो अभी क्या होगा, अभी आपका एक टोटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जो है आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। सो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, क्रोमियम H2O होल 5 Cl CO NH3 होल 5 प्लस 2 प्लस 3 Cl। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। अभी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में ये है प्लस टू, ये है प्लस थ्री। अभी क्या होगा, अभी कॉम्प्लेक्स में आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मतलब कोबाल्ट आपका इलेक्ट्रॉन देगा और क्रोमियम आपका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सो क्रोमियम 3 H2O होल 5 Cl CO2 NH3 होल 5 प्लस। देखो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, क्रोमियम आपका प्लस 3 बन गया, कोबाल्ट आपका प्लस 2 बन गया, क्रोमियम प्लस 3। क्रोमियम प्लस 3 और कोबाल्ट प्लस 2। अभी एसिड वाटर का एडिशन होगा तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाएगा। अभी जो सीएल है ये क्रोमियम के साथ चला जाएगा, क्रोमियम H2O होल 5 Cl प्लस 2 और उसके साथ आपका बनेगा कोबाल्ट NH3 होल 5 H2O प्लस 2। अभी इसमें अगर फिर से एसिड वाटर देंगे तो आपका कोबाल्ट H2O होल 6 प्लस 2 प्लस 5 NH4 प्लस। तो अभी क्या होगा, अभी आपका ये वाला कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। मतलब पहले आपको फिर से अगर वाटर दे दोगे तो एमीन उससे ब्रेक होकर चला है। तो ये जो टोटल प्रोसेस है, ये टोटल प्रोसेस को हम लोग इनर स्फीयर मैकेनिज्म बोलते हैं। क्यों इसको इनर स्फीयर मैकेनिज्म बोलते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के थ्रू हो रहा है और जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक स्फीयर बना के रह गया, तो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के थ्रू हो रहा है इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये वाला इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। और इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, आपका
इस टाइप का कोई ब्रिजिंग लिगेंड होना चाहिए जिसके पास लोन पेयर है. सो ब्रिजिंग लिगेंड इज नेसेसरी. तो क्या हो रहा है, फिर से बोल रही हूं. पहले स्टेप में क्रोमियम का सिक्स जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स था उससे आपका एक वाटर का ब्रेक हो गया. अभी क्या होगा, अभी जो कॉम्प्लेक्स जो डिसोसिएशन कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, कोबाल्ट के साथ एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेगा थ्रू अ ब्रिजिंग लिगेंड दैट इज सीएल. तो फ्रॉम दिस कॉम्प्लेक्स देयर विल बी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के वजह से क्रोमियम से कोबाल्ट तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा उसके वजह से आपका क्रोमियम थ्री में ट्रांसफर हो जाएगा और कोबाल्ट हो जाएगा टू में. सो उसके बाद वाटर एडिशन की वजह से वाटर एड होके ये दो को फॉर्मेशन होगा. क्लोरीन इसके साथ निकल जाएगा, ये वाला फॉर्मेशन होगा. उसके बाद फिर से वाटर देने से ये आपका वाइको कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. तो ये हो जाएगा टोटल मैकेनिज्म फॉर दिस इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स. ये होगा एक्चुअली आपका पूरा इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स. वन थिंग यू हैव टू कंसीडर कि आपको एग्जाम के क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है कि ये तो आपका सीएल लिया. मैंने क्या बोला था, इधर आप कोई भी लिगेंड ले सकते हो जो लिगेंड के पास आपका ब्रिजिंग प्रॉपर्टी है. तो इस टाइप का ब्रिजिंग प्रॉपर्टी होता है यूजुअली आपका हैलोजेंस के पास. तो हैलोजेंस हैलोजेंस है. सो हैलोजेंस मतलब एफ सी एल बी आर आई कुछ भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपका जो रिएक्शन रेट है फ्लोरीन टू आयोडीन ये इंक्रीज करेगा. क्यों, क्योंकि आपका देखो फ्लोरीन से आयोडीन तक जाने में क्या हो रहा है, आपका साइज इंक्रीज हो रहा है और आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रहा है. ये दोनों का कंपैरिजन में क्या बोल सकते हैं कि आपका पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है. मोर पोलराइजेबल मॉल्टीज आर वेरी मच एबल टू फॉर्म दिस काइंड ऑफ बॉडी. दैट्स व्हाई कि आपका आयोडीन का पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा है, ये ब्रिजिंग बॉन्ड फॉर्म इजीली कर सकते हैं. इसीलिए आपका जो आयोडीन है, आयोडीन अगर आप दोगे यहाँ पे इधर अगर आप आयोडीन लोगे तो आपका रेट सबसे ज्यादा होगा. सो ये हो गया टोटल मैकेनिज्म फॉर योर इनर स्फीयर मैकेनिज्म. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.